वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है सभी का एक और फ्रेश डेली व्लॉग में। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन, घर पे फिट होंगे, मौज कर रहे होंगे सारे और कुछ भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है सभी का एक और फ्रेश डेली व्लॉग में। तो आज यार होली है, तो हैप्पी होली सभी को। तो दो दिन होली होती है, कल छोटी होली थी और आज बड़ी होली है। तो आज का मौसम देखो यार, क्या सीन हो गया मौसम का, देखो जरा क्या है ये। ओए रुक जा चनु, अभी ये देखो मौसम पूरा ख़राब पड़ा हुआ है। अब ना ब्रूनो ना एक बार भी बाहर नहीं गया, तो इसको मैं छुच्छू बोलूँगा। छुच्छू आया, छुच्छू है मेरे बच्चे को, छिच्ची आई, छिच्ची आ गई। आज आज ये बच गया, आज ये बच गया। तू नहाना था आज, देखो कितना गंदा हुआ है यार ये। इधर बल किसी जल्दी जल्दी आ, किसी का जल्दी आया आया मुट्ठू आया मुट्ठू आया। बस बैठ जाए यहाँ पे, मिल बैठ जा, स्टेप लेके आ, वो स्टेप लेके आ। ओ फिसल ही गया, ओ तेरे आराम से हैंड ब्रेक लगा रहा है तो एकदम से। बस यहीं पर रुक जा, छोटा वाला दे दे मेरे को। आ जा मेरा बच्चा, इधर आ जा। ये किया हुआ बांधे हुए दोनों, बस बैठ सिट। इसको पता था वो गले में पहनाएगा, अभी मैं इसको पहना लेता हूँ यार। मौसम हो गया यार, छनु चल आ जा। छनु को यार बड़ा मतलब आजकल तो बाहर रहता है, छनु आ गया चल, गंदा है यार ये। यार छनु तो भाई जी हमारे बाहर रहते हैं पूरी ठंडी हवा में, कुछ भी हो जाए घर के अंदर आना नहीं है बोला मैंने। अब तभी आएगा जब पापा आएंगे। छनु मत गंदा खाया कर, आगे चला कर, हाँ फ्रेश घास में घूमा, हाँ यहाँ पे कर ना, यहाँ पे आराम से कर। हाँ ये हुई ना बात, हाँ कर आज आगे। अब स्टेप नहीं खोलने देगा, अब इसको पकड़ के देखो, अब देखो देखो ये देखो, ए ए स्टेप तो खोलने दे गले से, गेट तो बंद करने दे मेरे को। छनु गले से तो खोलने दे, इसको तो खोलने दे। ओ धूप आ रही छनु तेरे पे, धूप तेरे पे, धूप की किरण पड़ रही है। एक हाथ से खोलना बहुत मुश्किल। अच्छा अच्छा क्या है ये, क्या ये? जब शिशु मतलब जब अच्छे से फ्रेश हो जाए और जब डॉग कंफर्टेबल होता है तुम्हारे साथ कि अच्छी उसकी वॉक हुई है, तो हमेशा वो स्टेप पकड़ लेता है। ओ ओ ओ ओ, इसको छेड़ते हैं। अच्छा भागेगा और अब देखना तेज हो जाएगा ये, देख अब। अच्छा तो मैंने चला, इसको काट लेगा ये, वैसे इसको फाड़ देगा। सबको दांत दिखा, अपने दांत दिखा, दांत देखो इसके, कहते गंदे ब्रश भी नहीं करता ये। चलो मत करना कबड्डी कबड्डी यार, छनु क्या है यार। देखो कोई नहीं, हम नीचे से आऊँगा मैं, रुक हम नीचे से पकड़ेंगे, हम नीचे से आपको छेड़ेंगे, हम आपको नीचे से ऐसे करके आपके दांत पकड़ लेंगे। दे गुच्छा छोड़ दे बच्चा, गुच्छा दे दे छोड़ दे, गुच्छा छोड़ दे इसके। देखो ये वाले इसके होंठ बहुत प्यारे लगते हैं, ब्लैक ब्लैक वाले। ये देखो ये जो ब्लैक वाले है, चलो सबके होंठ तो पिंक होते, तेरे ब्लैक कैसे हैं? ज़्यादा गुटखा खा लिया क्या तूने ब्लैक वाला? विमल ऑल माइट बी वॉन्डरिंग कि अक्षय चल तूने ए सर्टिफिकेट का जो पूरा प्रोसीजर बता दिया कि कैसे एग्जाम हुआ, क्या क्या प्रोसीजर होता है, बट तूने सर्टिफिकेट की फ़ोटो क्यों नहीं दिखाई? तो यार ये मैं आज मेरे को याद आई कि मैंने शेयर क्यों नहीं किया तुम्हारे साथ। तो बेसिकली तुम्हें पूरा बताता हूँ, तो मैंने जो मेरी पिछली वीडियो थी और जो मेरा एग्ज़ाम था वो मैंने पिछले साल दिसंबर में 2020 में दिया था। तो उसके बाद मैंने एक डेढ़ महीने के बाद अपने सर को पूछा, तो मैंने सर कि क्या सीन है सर कि जब सर्टिफिकेट मेन, हम सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट हमारी वो हमारे सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए है कि यार कब सर्टिफिकेट आए, कब हमारा नाम लिखा होगा उसमें, लिखा होगा ए सर्टिफिकेट के होल्डर है ये। तो यार उसके बाद मैंने सर को पूछा, मैंने सर को मैसेज किया कि सर कब हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर ने बोला कि इस साल 2021 में नवंबर में मिलेगा। सोच लो इतना, मैं सोचा चलो यार एक महीना दो महीना तीन महीना मैक्सिमम मान सकता है कि तब सर्टिफिकेट आएगा, बट सर ने बोला नहीं अक्षय कि हमारा जो सर्टिफिकेट होता है ये काफ़ी टाइम लगता है बनने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में बनता है और इसको टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स के साइन लेने पड़ते हैं। तो मैं बोला रे भाई, तो इस साल 2021 में नवंबर में मिलेगा, तो सोच लो 2022 में मिलेगा, और जो इस साल अपीयर हुए हैं तो उनको अगले साल नवंबर में मिलेगा। हम तो पिछले साल दिसंबर में हुए थे ना, तो अब तुम्हारा पता नहीं स्कूल का क्या प्रोसीजर है, बट मेरे को तो इन्होंने बोला कि मैं दिसंबर में पेपर दे के आया था, अब नवंबर में मिलेगा 2021 के। तो यार इतना लेट मिलने वाला है, सबको एक्साइटमेंट यही होती है कब हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एग्ज़ाम हो गया तो ये मत सोचो कि यार आज या एक दो महीने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं भाई बहुत ज़्यादा लेट मिलेगा, मतलब ये मान लो 8-9 महीने के बाद, 6-7-8 हाँ इतने महीनों के बाद। तो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि यार कैसे सर्टिफिकेट इतने लेट वगैरह मिलते हैं। मेरे को लगा था जल्दी मिल जाएंगे, मैं दिखाऊंगा सब कुछ, एक एक्साइटमेंट होती है ना, बट उन्होंने सर ने मना कर दिया था, मैं भूल गया था बताना तुम्हें। तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से करना प्रिपेयर, मैंने ऑलरेडी व्यू डाली हुई है उसमें, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताया हुआ है मैंने, और अच्छे से हो जाएगा क्लियर। कुछ हमारा तो यार कैंप भी नहीं हुआ था कोविड के चलते, वरना हमने बहुत मज़े करे थे। मैंने तो स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे मेडल मिलते हैं वहाँ पे और अच्छी रैंक भी आती है वहाँ पे, और पूरा सिखाते हैं आर्मी की लाइफ, बट सैड लाइफ हमारा कोविड के चलते कुछ नहीं हुआ, स्कूल में हमारा एग्ज़ाम हुआ ख़त्म, अब सिर्फ सर्टिफिकेट मिला। चलो सर्टिफिकेट मिल गया और क्या चाहिए, बस नवंबर में मिलेगा, तो मेरे को बहुत उसका इंतज़ार है यार, शायद उससे पहले मिल जाए शायद,
होगा कुछ भी अपडेट हो तो बता दूंगा मैं। तो अभी ये हो गया कि मैं और मम्मी संतरा खाए थे अभी, तो मैंने इस कोरोना को डाला तो इसने मेरे हाथ से नहीं खाया 1% भी, इसने पूरा थूक दिया नीचे, दिखाता हूँ तुम्हें। और मम्मी खा रहा है तो मम्मी से मांग रहा है, मतलब मेरे हाथ से नहीं खा रहा, देखो ना मम्मी को देखो, बैठा हो देखो, मम्मी का खा रहा है पर मेरा नहीं खा रहा, देखो संतरा। छन्नू है क्या मतलब तू? ये ना छन्नू निलाने वाला हो गया, मम्मी आज निलान था और बाद मौसम ही खराब हो गया, आज छन्नू फिर से बच गया आज। वो देखो ना मम्मी, मम्मी देख रहा, देखो मम्मी थोड़ा खिलाने से, नमक मत लगाते। अच्छा कोई बताओ मेरे को, कुत्ता कौन सा संतरा खाता है? हमारा कुत्ता संतरा भी खाता है। मम्मी ऐसे, ये देखो मैंने इसको संतरा डाला पर इसने ये नहीं खाया, पता नहीं क्यों मम्मी से, अब तुम्हें पता अलग ही प्यार है इसको, पता नहीं मम्मी से ही हर टाइम मम्मी के साथ ही रहता है ये। वो देखो अभी खा रहे हैं, पता दोनों खा रहे हैं, देखो संतरा देखो। मम्मी सारा मत खिलाओ ना, बस करो, अच्छा नहीं होता यार ठंडा। ये भी खा गया मम्मी, ये भी खा गया, बड़ा चलाक है, मम्मी का भी खा लिया और ये भी खा लिया। हम फिर आया है, मम्मी फिर आया, मम्मी इसको बीज खिलाओ एक बार, मम्मी तो बीज खुआ मत खिलाओ, एक खिलाओ तो इसे बीज खुआ दो, खा दे खा दे। ओ खा गया, थूक देगा थूक देगा, खा गया मम्मी, खा गया। क्या है यार ये भी जोक करिए, हमारा ब्रूनो भी भूख लगी है तो ये क्या मतलब, बीज कौन खाता है संतरे के, पागल। ये ले जरा ये, इसको सुबह अंडा रोटी डालती है वो नहीं खा रहा है, अंडा रोटी पड़ी खा इसको अपनी, अंडा रोटी नहीं खा। अरे टमाटर ले जा, टमाटर ले, टमाटर खाना है इसने, ओ टमाटर, मम्मी टमाटर ले जा अड्डा है, अरे मैं ले आऊंगा कोई नहीं शाम को, ये पहले खिंची दे दे, एक खिंची दे दे, ये वो खिंची दे दे, सोफे में चढ़ जाएगा ये, ओ चला गया। जब तुम नए रिक्रूट होते हो, जैसे नाइन्थ वाले बच्चे जाते हैं एनसीसी में, तो उनको मैक्सिमम नहीं पता उसकी टोपी कैसे पहनते हैं, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ टोपी पहनना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता यार, जो तुम्हारी लेफ्ट आई होती है ना, लेफ्ट आई इतना मतलब बोलते कि इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, बट इतना कुछ ध्यान में मत दो, तो लेफ्ट आई जो होती है ना उसके ऊपर ही जो हमारा लोगो होता है वो आता है हमेशा याद रखना, लेफ्ट आई के ऊपर। जैसे तुमने इसको ऐसे करके पहनते हो ना इसको, तो अभी जो राइट आई में लेफ्ट आई होती है ना, इसको पूरा ऐसा करके कर लो, ये जो तुम्हारी लेफ्ट आई होगी ना, जैसे ये होगी इतना बराबर हो गई, लेफ्ट आई आ गई। अब देखो ये टोपी कभी भी ऐसे नहीं पहनते, जो राइट साइड होती है इस टोपी की वो हमेशा बेंड होगी पूरी नीचे ऐसे करके, ये तुम प्रेस कर दिया करो, पूरी प्रेस कर दिया करो, ये पूरी प्रेस कर दो ऐसे करके। ये देखो अभी तो मैंने सेट नहीं किया है, वैसे मैं टाइप काफ़ी, जैसे कहीं तुम्हारी अगले दिन, जैसे अगले दिन स्कूल है और आज शाम को, तो इसके अंदर तुम कोई क्वेश्चन भी रख सकते हो ताकि प्रेस रहे। तो लेफ्ट आई आ गई ऐसे करके सेट करके इसको, ये देखो लेफ्ट आई के ऊपर आ गई, तो ऐसे इजीली तुम पहन सकते हो। ये होता करेक्ट वे ऑफ कैसे आप वेयर करते हैं टोपी को, तो ये मैक्सिमम पूछते हैं ये। तो अभी जस्ट मैं शॉप गया था ब्रेड लेने, भूख लगी थी, तो 5 या 10 रुपये हमेशा बच जाते हैं, तो हमेशा ब्रूनो के लिए चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो, बट हमें तो लानी पड़ती है। बट आज इसका दूसरा फ्लेवर नहीं मिला, वेनिला, आज स्ट्रॉबेरी मिला। मेरे बच्चे के लिए क्या लाया, रुक मैं थोड़ा कैमरा फ्लिप कर लेता हूँ, रुक जा। ये मैं अपने बच्चे के लिए आज, ओहो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाया, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाया, दे दे, ओ ओ ओ गोल गोल घूम रही है, खा ले, बहुत पसंद है इसको आइसक्रीम यार, गर्मियों में तो भाई कितनी आइसक्रीम खाता है ये, खाता है मेरा बच्चा। छन्नू ये देख, छन्नू देख, टीका भी आपका पिंक, आपकी आइसक्रीम भी पिंक, लाओ एक चम्मच दे दो, आपका टीका भी पिंक, आपकी आइसक्रीम भी पिंक, लाओ इसको एक चम्मच दो, एक चम्मच दे दो, मत दो खा चलो बस मैं, ओह मारने की कोशिश कर रही है, भाई तू छुट्टी ना रहने दे भाई, तू गोलू जी आ गए, अब क्यों पप्पियाँ कर रहा है इसको खेल रहा है, खेल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं करता कुछ ना, ओए इसे खेल रहा है, नॉर्मल खेल गोलू, आप थोड़ा वॉलेंट मत हो जाइए, आप वॉलेंट अबे मत कर, डर रहा है गोलू, अंदर चल पड़, सारे बोल रहे कि अंदर चल, अंदर चल, चल पड़े अंदर मेरे गुड्डी, चल पड़े अंदर गुड्डी, चला मम्मा क्या बोल रहे हो, देख मम्मी बुलाओ इसको, चल जा मम्मी बुला ले, जाओ चल चल चल, मम्मी आया, अच्छा इसको ले जाना अंदर, आप लाइट जलाओ थोड़ी बाहर की, इतने अंधेरा क्यों रखा हो, जाओ चला गया, देखो मम्मी बुला लो इसको,
तो भाई आज बहुत सही चांद निकला, बट वाइड एंगल में शूट करो तो बहुत दूर दिखेगा। वो देखो वो रहा, बहुत सही लग रहा है ये, पर दिख नहीं रहा, बहुत बहुत दूर है। अभी ऐसे बाहर थोड़ा ठंडी हवा में घूमने आए थे, अभी टाइम 8 की बज रहे होंगे। चलो चल अंदर, मम्मी बोलो चल इसको अंदर ले चलो। ओ चलो अंदर, देखो जाओ अंदर, मम्मी आप भी जाओ। भाई बहुत सही ठंडी हवा चल रही है, जस्ट अभी डिनर कंप्लीट करके आया, तो आज सुधर की बारिश होगी, बट मौसम सारा साफ हो गया भाई। लिटरली चांद से आंखें नहीं छुप रही, मतलब देखने में इतना सही लग रहा। तो तुम्हें मैं कैसे दिखाऊं, देखो सामने तुम सोच सकते हो इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, देखो इसकी। मैं वाइड में शूट कर रहा हूँ ना अभी, तो यार अभी मैं ब्रूनो को अंदर लेने आया था, बट ब्रूनो नहीं आ रहा, ठंडी हवा में इंजॉय कर रहा है, छन्नू खाना खा रहा है, एकदम से बाहर निकल जा रहा है। मैं देख रहा तो एक बार तारा लगा हुआ है, और ये वाला, ये हम पता नहीं गेट क्यों नहीं यूज़ करते, हम मैक्सिमम वही बड़ा खोलते। इससे मैं क्या, थोड़ी स्कूटी यार सुबह ट्राई करूँगा, कभी निकाली नहीं ज़िंदगी में आज तक। पापा ने निकाली थी जब पापा नए आए थे, मेरे को पता है जब हम नया घर बने तब निकालती, मैंने एक बार भी निकाली, कल निकालते देखते निकलती कि नहीं, फिर इसको यूज़ करा करूँगा, फिर बड़े को खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ कल देखता हूँ इस वाले गेट को, मैं इसको मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ यार। छन्नू चल, अब नहीं आएगा ये। तो इतना ही था आज का व्लॉग, आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और घर से थोड़ा कम ही बाहर निकला, कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक देखते रहिए, बाय गाइस। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, टाटा बाय बाय।